हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग सवाल ब्रो यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 4 मंथ से वीडियो नहीं डाली चैनल पे। सो अभी रेगुलरली वीडियोस आएंगे इस पे, और आज हम पीडीएफ रीडर का सोर्स कोड देखने वाले हैं, जिसमें हम इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, और सभी पीडीएफ जैसे एडोबी रीडर में रीड कर सकते हैं, वैसे रीड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, इसमें यूआई भी बहुत बढ़िया। मैं अभी आपको ऐप दिखा देता हूँ, और इसमें आप एडमॉब के एड्स लगा सकते हैं फॉर अर्निंग, और आप इजीली इसे प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात बता देता हूँ, जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सोर्स कोड की, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियोस में कहा था 10 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं जब डाउनलोड करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं ड्राइव की लिंक दे देता हूँ तो वो कोड हट जाता है ड्राइव से। सो पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर रहा तो फिर वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको चाहिए होगा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डाउनलोड, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट इन दिस केस आपको कोई सपोर्ट नहीं रहता है। मतलब आप वैसे हेल्प मांगने आते हैं तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बट सो बहुत से कमेंट मैंने पढ़े और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं। और एक बार तो 11:30 12 बजे कॉल आया था कि यहाँ से पे कर सकते या नहीं, इससे कोड मिलेगा या नहीं। अगर मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो मिलेगा ही ना, और उसी के साथ मैं वीडियो में लिंक भी दे देता हूँ जिससे आप ट्यूटोरियल है आप देख सकते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ वो वीडियो भी आपको, अनलिस्टेड वीडियो है, आपको जस्ट वो देख कर भी अगर आपको पेमेंट कैसे करना है वो नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। मैंने क्लियर लिया लिखा है हाउ टू डाउनलोड सोर्स कोड फ्रॉम माई लिंक्स। सो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वो वीडियो है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। डिस्क्रिप्शन में ये सो होता आज है, इस वीडियो में आपको मैं और शो मैंने यहाँ पे करने के लिए कंप्लीट वो कैसे एक्सप्लेन वहां से किया है, वर्ड टू वर्ड नहीं बताया होंगे तो अभी कैसे क्या प्रोवाइड किया है। करके बार आपसे बार वो भी व्हाट्सएप से ले कंसर्न आते हैं, सो मुझे आज वीडियो में बताना पड़ा, इसकी वजह से वीडियो भी अभी लॉन्ग हो गया है। सो नो इशू, थोड़े से लोग हैं जो ऐसे बातें करते हैं, सो मैं वैसे भी इसे इग्नोर करता हूँ, बट आई थॉट एक बार बता देना अच्छा रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है मैं क्यों पे कर रहा हूँ। सो लिविंग दिस ऑल असाइड, यहाँ पे मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ। सो आप ऐप का इंटरफेस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे Android 10 है मेरा फ़ोन में फर्स्टली, तो वही शो कर देता हूँ। फिर भी आपने डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे कि खुद के ऐप मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके देख लेना है। सो मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पे है, आपको फ़ोन ओके मिल गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं Android 11 वर्जन है, रियलमी फ़ोन है। सो यहाँ पे मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के एडमॉब के ऐड आते हैं, ये टेस्ट एड्स है सब। और यहाँ पे अगर आपका प्ले स्टोर पे अपलोड रहेगा तो यहाँ से ये पॉपअप हर बार शो करेगा, और अगर कोई लेटर करता है तो उसे शो करेगा, कैंसिल करता है तो उसे नहीं दिखेगा, रेड करता है तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस बहुत ही बढ़िया है, और फ्लैश स्क्रीन आई थिंक मैंने मिस कर दिए, तो मैं एक बार ऐप को ऑफ करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ। सो फ्लैश स्क्रीन भी बहुत ही अच्छा है, एनिमेशन है यहाँ पे नीचे, ये भी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप फर्स्ट तो देख सकते हैं नाइट मोड का ऑप्शन है। सो अगर मैं नाइट मोड ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं थीम कम्प्लीटली नाइट मोड में आ जाती है, और इसको मैं अभी के लिए ये नॉर्मल व्यू पे रखता हूँ, और ऑल डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ दिख जाएंगे। और अगर किसी ने प्रीमियम बाय करना होगा तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है, अगर यहाँ पे हम क्लिक कर दें मंथली तो डायरेक्टली प्ले स्टोर का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ रेट का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट करेंगे, शेयर से ऐप शेयर कर सकते हैं, और अबाउट अस में आप जो भी डिटेल्स ऐड करते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। सो प्राइवेसी पॉलिसी में आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिंक ऐड करनी पड़ेंगी जो कि ब्राउज़र में ओपन होंगी, मैं ऐप कोड एडिट करते समय ये बता दूंगा। और ये जो भी नेम्स है ये आप कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी फाइल्स में जो भी आपने फाइल्स रिसेंटली ओपन की होंगी वो शो होंगी, और अगर आप कोई पीडीएफ को स्टार मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसे स्टार मार्क किया, तो वो यहाँ पर शो होंगी। आप देख सकते हैं एड्स यहाँ पे हर जगह पर आपको मिलेंगी। सो मैं एक इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली है, और यहाँ पे मैं मल्टीपल इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने एक ही ऐड की है। और आप देख सकते हैं हर एक पेज पे डिफरेंट बैनर ऐड शो होती है। सो ऐसे इमेज को हम सॉरी पीडीएफ फाइल को हम रीनेम भी कर सकते हैं, अभी के लिए मैं यही रहने देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, और ऐड शो होंगी और आपकी पीडीएफ सेव हो जाएंगी। और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी जंप टू पेज का भी ऑप्शन है, और यहाँ से आप इसे सेव या शेयर भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं प्रिंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है।
मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी। सो अभी हमने जो फाइल बनाई है इमेज पीडीएफ, वो यहाँ पे शो हो रही है रिसेंट में। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो इमेज 3 थी वो यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, और आप यहाँ से इसे शेयर भी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, इसे आप कम्प्लीटली आपके कलर स्कीम एंड ऑल चेंज कर सकते हैं। मैं सोर्स कोड में आपको एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। सो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, और ये जो APK इसकी भी लिंक मिल जाएंगी, आप इसे आपके फ़ोन पर ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद बाय भी कर सकते हैं, परचेस नहीं डाउनलोड कर सकते वो लिंक से। बहुत लोगों के लिए 10 रुपीज़ भी पे करना मीन्स उन्हें लगता है वी आर चार्जिंग दैट, सो उनके लिए हमने APK भी प्रोवाइड कर दिए। फॉर्स्टली चेक कर लीजिए आपका एंड्रॉयड 11 है 12 है जो भी है, अगर वर्क करता है और आपको लगता है तभी आप डाउनलोड कीजिए हमारे लिंक से। ओके सो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया है, और अभी न्यू वर्जन है तो JDK अगर ये पूछता है तो आपने लेटेस्ट वाली सिलेक्ट कर लेना है, आई थिंक दैट इज़ 14, और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो मेन फेस्ट है, यहाँ से फ्लो से जाते हैं ताकि मैं कुछ मिस ना करूँ। तो फर्स्टली तो पैकेज नेम चेंज करने की बात कर लेते हैं। सो अगर पैकेज नेम चेंज करना होगा आपको तो कॉम्पिक मीन्स ये स्कैटर्ड रखना है आपको, ये आप सेटिंग देख लीजिए जस्ट अ मिनट, या अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो चुका है, मैं ऐप बैकग्राउंड ऐप क्लोज कर देता हूँ। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेटिंग में बता देता हूँ, मैंने बहुत पहली बार वीडियो में बताया है बट फिर से एक बार बता देता हूँ फॉर न्यू व्यूवर्स। सो यहाँ पे कुछ भी टिक नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये स्कैटर्ड व्यू दिखेगा, या फिर अदर अगर वैसा नहीं रहा तो फिर com.altigat.pdf या फिर जो भी पैकेज नेम रहेगा वैसा शो होगा। सो स्कैटर्ड में शो होता है, वन बाय वन हमें इसे चेंज करना है। सो राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, सॉरी मेरा PC थोड़ा हैंग हो रहा है, और रीनेम करंट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे आप जो भी नाम डालेंगे वो डाल के आप यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये तीनों नेम चेंज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द ऐप लोगो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा मिप मैप में ये लोगोज है, मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो आपको ये एक्सप्लोरर में ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन इन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेजेस है, सो आपको यही साइज़ की इमेजेस यहाँ पे आके अभी फॉर एग्जांपल ये 96x96 डायमेंशन की है, सो आपको ऐसी इमेज बना के आपके लोगों की यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स है उसकी मदद से आप इसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपको हर जगह पे ये जो मिप मैप नाम से फोल्डर है यहाँ पे आप जब सभी इमेजेस चेंज कर लेंगे तब आपका ऐप लोगो जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर है, मैं यहाँ पे एनलार्ज कर देता हूँ, जो भी फाइल है आप वहाँ से फिर से चेंज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं अगर आपको फाइल्स का लोगो चेंज करना है तो इसकी जगह पे ये डायमेंशन का यही नेम का आप ऐड कर सकते हैं PNG फाइल, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। सो उसके बाद ड्रॉएबल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, सो ये भी जो इमेजेस है अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से हो जाएंगी। सो उसके बाद ऐप का नेम और जो ऐड प्लेस करना है वो बता देता हूँ कहाँ से कर सकते हैं आप। तो आपको वैल्यूज़ में जाना है, यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑप्शन है। सो फर्स्टली तो ये है PDF रीडर नेम, मैं यहाँ पे ऐप में शो कर देता हूँ आपको कहाँ पे ये शो हो रहा है। सो ये PDF रीडर जो नेम है यहाँ पे शो हो रहा है, सो PDF मैंने यहाँ पे टाइप किया है और रीडर, सो ये रीडर का फॉन्ट डिफरेंट है और PDF का फॉर्म डिफरेंट है, सो आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडमॉप के ऐड IDs है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऐप ID, बैनर ऐप ID, सो उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट यहाँ पे जो है यहाँ से जो आपके एडमॉप ID से लिंक होंगी ID, वो यहाँ पे आके आपको जस्ट पेस्ट करनी है। इंटरस्टिशियल ऐड है, ओपन ऐड है और नेटिव ऐड है, और इफ़ यू आर मतलब आपको अगर FB का Facebook का भी मिल चुका है अप्रूवल, या फिर आप अपलोड करने के बाद अप्रूवल लेने वाले हैं तो उसकी भी ID आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इनकेस अगर आपका एडमॉप ऐप अकाउंट पे कोई लिमिट लग जाती है तो आप फेसबुक एड्स भी यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको शो किया था अबाउट फोन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा टेक्नोलॉजी लिख के आ रहा है, सो आपको जब भी प्ले स्टोर पर अपलोड करना होगा तो आप ये रिप्लेस कर दीजिएगा। सो यहाँ पे अगर मैं अबाउट में भी चेक करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी नेम, ईमेल, ये सब कुछ आपको खुद का ऐड करना होता है। सो आप अगर यहाँ पे support@ultra-technology देख रहे हैं तो यहाँ पे वो अगर आप ये रिप्लेस कर देंगे तो ऐप में भी वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यही थे माइनर चेंजेस जो आपको करने हैं, और उसके बाद आप इसे प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो यहाँ पे आपको लेआउट में ऑप्शन है,
सभी एक्टिविटीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लैश स्क्रीन है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लैश स्क्रीन है, सो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं लोगों को इसे भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो नीचे एनिमेशन है उसका एक कलर है। सो अगर मैं यहाँ पे ये एक्सेंट कलर चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं फॉन्ट ये कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप कलर्स चेंज कर सकते हो, फॉर बट फॉर नाउ मैं ऐसे ही रखता हूँ। ओके सो ये अच्छा दिख रहा है, ऐसे रखते हैं। और उसी के बाद यहाँ पे जो कलर्स है आप वो भी चेंज कर सकते हो। मैं वैल्यूज़ में जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे आपको कलर्स नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। सो मैं वही ढूंढ रहा हूँ कलर्स। ओके सो यहाँ पे कलर है, और ये जो सेकंड वाला है ये डार्क मोड के लिए है, और फर्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल जब वो ऐप ओपन होता है तब तो होता है। सो मैंने आप देखा होगा ब्लूइश थीम रखी है, जैसे कैम स्कैनर की होती है वैसे। सो यहाँ पे आप कलर कोड अगर चेंज करते हैं, ये कलर्स चेंज करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली ऐप में भी कलर्स चेंज हो जाएंगे। सो ये कम्प्लीटली आपके चॉइस पे, अगर आप चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट कहीं पर भी फायरबेस से लिंक नहीं है, तो आपको कोई भी फाइल्स यहाँ पे ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। मैंने जितनी कहा उतने अगर आपने चेंजेस कर दिए, और यहाँ से बिल्ड और जनरेट साइंड एपीके आपको करनी पड़ेंगी, और एबीबी फाइल में से। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा ये चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थीम्स एंड ऑल मैं शेयर करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।